नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। दिस इज योर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहा हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाकी भी दूसरे वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ टॉपिक्स के नाम ले लेता हूं जो हमने अभी तक कवर किया है। इससे हमारा जो पिछला वीडियो था दैट वाज रिलेटेड टू मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, देन सेंट्रीफ्यूगल पंप की कौन कौन सी एफिशिएंसीज होती हैं, देन सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड कौन कौन से हेड्स हैं, स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की और मिनिमम स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, कितना काम किया गया हमारे इस क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपेलर द्वारा फ्लूइड के ऊपर यानी कि पानी के ऊपर। तो अब आज का जो टॉपिक है दिस इज स्पेशली रिलेटेड टू ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। और साथ में अगर फ्लूइड मशीनरी के बाकी चैप्टर्स अगर आप देख रहे हैं, देन वेलोसिटी ट्राइंगल्स है, इंपैक्ट ऑफ जेट है, देन योर हाइड्रोलिक मशीन्स है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सारी की सारी विद डिटेल्ड एनालिसिस विद सॉल्व न्यूमेरिकल सब कुछ किया हुआ। साथ में अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स देख रहे हैं, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स ए टू जेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, अगर जो भी आप स्टूडेंट होंगे सिविल मैकेनिकल के या केमिकल के, तो सारी चीजें कंप्लीट के लिए विद सॉल्व न्यूमेरिकल। तो आप डेफिनेटली देखिएगा बाद में, साथ में और दूसरे भी सब्जेक्ट्स है लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, हीट ट्रांसफर है, वो भी आप किसी फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा वेट ना करते हुए हमारे इस सेंट्रीफ्यूगल क्या पंप के इस टॉपिक के ऊपर, दैट इज ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, ओके। अब डेफिनेटली एक चीज जरूर बोलूंगा कि इससे पहले कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा मेन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जरूर देखिएगा, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो जरूर देखेगा। इससे पहले वाला वीडियो है, क्योंकि वो अगर समझेगा तो आपको ये समझेगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, ठीक है, समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। सब मेरी कंपनी है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, ठीक है, मुझे किसी दूसरी कंपनी ने ऑर्डर किया है कि हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप बना के दीजिए। ठीक है, तो हमें ऑर्डर मिल गया, मगर हम उनसे एटलीस्ट ये तो पूछेंगे। देखिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है, कि क्या बोलते हैं दैट इज योर सिंबल क्या होता है, वो जरूर देखने लायक है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसको बोलते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये इंजीनियरिंग डायग्राम होते हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपने डायग्राम में यूज करते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशली या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये कुछ डायग्राम्स यूज होते हैं। दिस इज प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, ये बहुत डिटेल्ड इंजीनियरिंग होती है। और वहां पर ठीक है केमिकल इंजीनियरिंग द्वारा ये पीएमआईडी बनाई जाती है। कोई भी अगर कंपनी केमिकल इंडस्ट्री रिफाइनरी सेट करनी हो तो ये प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम बनाया जाता है बाद में, सबसे पहले ये बनाया जाता है, ठीक है, उसके बाद ये बनाया जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल पंप की। सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिंबल कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ये हो गया हमारा आउटलेट डिलीवरी लाइन, ये हो गई इनलेट लाइन, तो इस तरह से ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है। याद रखिएगा ये सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत ही सस्ता पंप है, वर्साटाइल है, ये कुछ ऐसे भी लिक्विड्स लेके जाता है जिसमें कुछ अमाउंट में सॉलिड होती है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सपोज ये हमारी दिस इज सक्शन लाइन है, ये हमारी डिलीवरी लाइन है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कुछ ऐसा भाई लिक्विड जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, मगर उसकी एक लिमिट होती है, 5% या 10% ही सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर लिक्विड में है तो ये लेके जा सकता है। सस्ता है, हर इंडस्ट्रीज में यूज होता हुआ दिखेगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री। ओके, स्पेशल पर्पज जो पंप है वो होते हैं हमारे रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप का सिंबल ये नहीं होता, अलग होता है, क्लियर हो गया? और ये वही यूज किया जाता है जहां पे फिक्स फ्लो रेट आपका किसी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, किसी सपोज किसी पर्सन को फिक्स फ्लो रेट चाहिए आउटलेट पे, तो वो यूज करेगा, या फिर आउटलेट पे हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट है तो रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो सबसे पहले छोटे से हम मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व समझ लेते हैं, उसी से हम ये समझ लेंगे। ठीक है, ओके, सपोज हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाती है, ठीक है, तो किसी थर्ड कंपनी ने हमें ऑर्डर दिया है कि भाई आप हमारे लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाइए। तो डेफिनेटली इससे पहले कि मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाऊं, मैं कुछ क्या बोलते हैं कुछ वो तो लूंगा ना, यानी कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कि सपोज आउटलेट पे प्रेशर कितना चाहिए, या फिर पूछूंगा कि भाई आउटलेट पे यानी कि पंप को कितना हाइट पे हमारा पानी फेंकना चाहिए, या फिर कितनी हाइट पे पानी हमारा पहुंचना चाहिए। फिलहाल जो फ्लूइड है मैं यहाँ पे पानी यूज कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं कुछ क्वेश्चन तो पूछूंगा इससे पहले कि मैं डिजाइन करूं कि कितनी हाइट पे आपका फ्लूइड पहुंचना चाहिए या पानी पहुंचना चाहिए, या फिर आउटलेट पे कितना प्रेशर चाहिए, या फिर आपका क्या बोलते हैं कि कितना फ्लो रेट आपको पहुंचाना है, यानी कि क्या फ्लो रेट चाहिए। डेफिनेटली ये तो मुझे मालूम चाहिए ना, तो इससे पहले
तो मैं एक बड़ा पंप बनाऊंगा, ठीक है, मगर ऐसा नहीं करूंगा कभी भी मैं, ठीक है, ये मुझे उस कंपनी को सप्लाई करना है जिसके लिए मुझे ऑर्डर मिला हुआ है, ठीक है। ओके, तो इससे पहले कि मैं बड़ा पंप बनाऊं और उस कंपनी को सप्लाई करूं, मैं छोटा पंप बनाऊंगा। क्या करूंगा? छोटा पंप बनाऊंगा। ये हमारा छोटा पंप, इस पंप को बोलते हैं प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप, ठीक है। ये उस कंपनी को बना के देने वाला हूं, मगर इस ये नहीं बनाऊंगा सबसे पहले, मैं ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये मॉडल क्या है, मॉडल। इसके ऊपर मैं अलग अलग टेस्टिंग करूंगा, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करूंगा, तो मुझे डेफिनेटली कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, पैरामीटर्स मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड मैं ग्राफ बनाऊंगा। कौन से? याद रखिएगा, ये वाले ग्राफ और ये ग्राफ अलग है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ रहेगा हमारा स्पीड वर्सेस, अलग अलग ग्राफ होंगे, ये कुछ इस तरह से ग्राफ होंगे, ये होगा पावर, देन एफिशिएंसी, देन डिस्चार्ज, देन हेड, क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, मैंने छोटा पंप बनाया, उसके ऊपर काफी सारे टेस्टिंग की, टेस्टिंग की मतलब उसे अलग अलग स्पीड पे ऑपरेट किया। आप देख रहे हैं ये ग्राफ जो है स्पीड वर्सेस किसका है, ये पावर एफिशिएंसी, ये पावर, ये एफिशिएंसी का सिंबल है, ये फ्लो रेट का, ये हेड का, ठीक है। तो स्पीड वर्सेस, तो अलग अलग स्पीड पे मैं इस छोटे से पंप को चलाऊंगा, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स निकलेंगे, उसकी मदद का मतलब उसकी हेल्प लेके मैं ये ग्राफ बना लूंगा। हो गया क्लियर? ओके, फिर इसमें मैं बेस्ट स्पीड निकालूंगा, ऑप्टिमम स्पीड। हो गया क्लियर? क्योंकि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाते हो, पावर कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, क्लियर हो गया? ओके, तो मैंने एक बेस्ट स्पीड डिजाइन कर ली। ओके, यानी कि बेस्ट स्पीड इसमें से मैंने सोच ली। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। तो अब ये जो बेस्ट स्पीड मेरी सिलेक्ट हो गई, उसी हिसाब से हमारे दूसरे पैरामीटर्स भी सिलेक्ट हो गए होंगे। ओके, तो इन चीजों का यूज करके अब मैं ये बड़ा पंप बना लूंगा, जिसको प्रोटोटाइप बोलते हैं या फिर प्रोजेक्ट पंप बोलते हैं, क्लियर हो गया, जो मुझे उस थर्ड पार्टी यानी कि तीसरी कंपनी को सप्लाई करना है जिससे मुझे ऑर्डर मिला है, क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है। हो गया क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, तो अब जिस कंपनी को मैं ये क्या बोलते हैं, ये पंप देने वाला हूं, ये एक फिक्स स्पीड पे ऑपरेट होगा, फिक्स्ड स्पीड पे ऑपरेट होगा। हो गया क्लियर? ओके, इस पंप, ये छोटे पंप और इस बड़े पंप में कुछ सिमिलैरिटी होती है, उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, ये ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी बनी रहे, मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, वो कंडीशंस एग्जिस्ट होनी चाहिए, क्लियर हो गया ये? ओके, तो उसमें कुछ कंडीशन थी कि स्पेसिफिक स्पीड इसकी और उसकी सेम होनी चाहिए, पावर से रिलेटेड मैंने कुछ आपको यानी कि एक रेशियो बताया था, क्लियर हो गया? ओके, दूसरी चीज क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो टॉपिक का नाम था ऑपरेटिंग, दैट वाज, अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है, मगर मैंने बताया था कि कुछ चार पांच कंडीशंस होती हैं, ये सेम टू सेम वैसा ही पंप बने जैसा ये पंप है, क्योंकि हमने इसी के ऊपर सारी टेस्टिंग किया ना, तो उसको बोलते हैं, अगर इन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी सेम रहेगी, कहने का मतलब है कि ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए चार पांच कंडीशंस एग्जिस्ट होती हैं, जिसमें से हमारी क्या बोलते हैं, पहली कंडीशन है स्पेसिफिक स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए, देन टेंजेंशियल वेलोसिटी से दूसरा पॉइंट रिलेटेड था, थर्ड पॉइंट हमारा पावर से था, चौथा पॉइंट हमारा फ्लो रेट से था, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, थीके? तो मैं ये बता रहा था। ओके, तो मैंने क्या किया, इस बड़े पंप को डिजाइन कर लिया, क्लियर हो गया? ओके, एक फिक्स स्पीड पे, ठीक है, तो अब मैं उठा के इस पंप को किसको दे दूंगा, हमारे उस पार्टी को दे दूंगा, क्लियर हो गया? ओके, और साथ में मैं एक ऑपरेटिंग कर्व दूंगा। क्या दूंगा? ऑपरेटिंग कर्व, और यही है हमारा ये ऑपरेटिंग कर्व। आप देख रहे हैं ये जो मैंने डायग्राम बनाया यानी कि जो ग्राफ बनाया है, ठीक है, एक पंप दिया है मैंने, ओके, जो एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट होता है। याद रखिएगा, ये वाला जो था, ये अलग अलग स्पीड पे, मतलब हमने ग्राफ बनाया था कि अलग अलग स्पीड, अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो बाकी पैरामीटर्स क्या बोलते, मगर ये जो ग्राफ दिया है यानी कि ये ग्राफ किसका है, इस पंप का है, यानी कि प्रोटोटाइप या फिर प्रोजेक्ट पंप का है, ये मैं थर्ड पार्टी को दे दूंगा, यानी कि जो भी कंपनी से हमें ऑर्डर मिला था, याद रखिएगा। और ये जो हमारा क्या बोलते हैं साइंटिफिकल पंप है, ये कॉन्स्टेंट स्पीड पे ऑपरेट होता है, क्लियर हो गया ये? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी होंगी, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है, छोटे पंप से रिलेटेड। ओके, अब दूसरी चीज हम क्या बोल रहे थे यहां पर, तो मैं थर्ड पार्टी को यानी कि जो भी हमारे क्लाइंट थे जिनसे हमें ऑर्डर मिला था, उनको ये पंप सप्लाई कर दूंगा। ओके, अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस कर्व को क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ओके, आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमने डिस्चार्ज लिया है, डिस्चार्ज सपोज हम ले लेते हैं लीटर पर मिनट, मतलब कुछ मिनट में, मतलब टाइम का रिलेशन यहां पर वॉल्यूम से है। ओके, यहां पे आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे फ्लो रेट है, ओके, इसका सिंबल क्यू है जिसको डिस्चार्ज भी बोलते हैं। वाई एक्सिस पे आप देखिए मैनोमेट्रिक हेड है, जिसको सिंबल, जिसका सिंबल एच एम है। यहां पर है हमारा पावर, पावर का सिंबल पी है। एफिशिएंसी हमारी
ये बड़ा ये एन है, एन लटका हुआ है, क्लियर हो गया? ओके, दूसरी चीज हो गया ये क्लियर? ओके, अब मैं थोड़ा सा बात कर देता हूं। यहां पे जो रेड कर्व दिख रहा है आपको, यहां पे सारे के सारे कर्व है, तो ये किसका कर्व है? एफिशिएंसी, पावर, मैनोमेट्रिक हेड, और ये आपके वर्सेस डिस्चार्ज का कर्व है। मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है? कितनी हाइट पे पानी पहुंचना चाहिए। देखिए इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो आप ये खरीद सक बोल सकते हैं कि भाई आउटलेट पे हमें इतना प्रेशर चाहिए, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा पानी इतनी हाइट पे पहुंच जाना चाहिए। मगर आप कभी भी ये बोलते कोई भी पर्सन नहीं दिखेगा, ठीक है, कभी भी आप ऐसे बोल के नहीं खरीद सकते कि भाई हमें ये फिक्स फ्लो रेट वाला पंप चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा फिक्स फ्लो रेट वाला पंप सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग पंप हो सकता है। हाँ, मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि जब ये ऑपरेट होगा तो एक पर्टिकुलर फ्लो रेट पे ही होगा, मगर ये आपको नहीं मालूम कि कौन से फ्लो रेट पे ये ऑपरेट होगा, मगर उसे पता किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, अब जो हम, ठीक है, समझ में आ रहा है, अब ये जो पंप हम दे चुके हैं थर्ड पार्टी को, उसके साथ हमें ये ऑपरेटिंग क्या बोलते हैं ये कर्व भी देना पड़ेगा, और याद रखिएगा कंपनी ने, यानी कि मैंने डिजाइन किया है ये एक फिक्स्ड स्पीड पे, ठीक है। तो दिस वर्सेस दिस जो कर्व होता है, यानी कि एफिशिएंसी, पावर और मैनोमेट्रिक हेड वर्सेस फ्लो रेट का जो कर्व होता है, इसको क्या बोलते हैं, हमारा ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। मैं ये बता देता हूं, ये जो रेड लाइन है ये हेड की है, मतलब क्या बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड वर्सेस फ्लो रेट का। ये जो बड़ी सी जो दूसरी लाइन है एफिशिएंसी वर्सेस क्या बोल सकते हैं आप फ्लो रेट का। फिलहाल ये जो चार कर्व दिखाएं ये अलग अलग भी आप दिखा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप एक ही में दिखाएं, मगर ये हमारे लिए इजी हो जाता है काफी, क्योंकि इसमें काफी सारे पैरामीटर आप एक ही साथ निकाल सकते हैं। ओके, आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर का कर्व है ये हमारा आउटपुट पावर है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी इनपुट पावर है। मैं एक एक करके बता देता हूं आपको, ठीक है। सपोज एक सेंट्रीफ्यूगल पंप मैंने सेलेक्ट किया, लेट मी चेंज माय दिस वन, ओके, सपोज मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल पंप सिलेक्ट किया, ठीक है, यही वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है एक्चुअली जो हमने कंपनी को दिया था, ठीक है, ओके। अब उस कंपनी का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि ये इतनी हाइट पे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, यहां पे एक रिजर्वायर है और यहां पर एक रिजर्वायर है, ठीक है, यही पंप उन्होंने काम पे लगा दिया, ये सक्शन लाइन और ये डिलीवरी लाइन, ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले ये क्या फ्लो रेट पे ऑपरेट होगा हमें भी नहीं मालूम, ठीक है। उसके लिए अगर आपको ये पता करना है कि क्या फ्लो रेट पे ऑपरेट होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर ये जो सरफेस, ये रिजर्वायर ए है, ये रिजर्वायर बी है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको, ओके। तो आगे देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो सरफेस ए है, सपोज मान लीजिए जो फ्लूइड है वो पानी है, इसकी सरफेस पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, सपोज ये वन है, ओके, इसकी सरफेस पे मैं लगा दूंगा, इस पानी की सरफेस पे, मान लीजिए फ्लूइड पानी है, ये सरफेस टू, तो बर्नौलीज इक्वेशन लगा दूंगा, तो बर्नौलीज इक्वेशन हमें मिलेगी, क्लियर हो गया? तो बर्नौलीज इक्वेशन मिलेगी हमें, सपोज इसमें बर्नौलीज इक्वेशन में क्या क्या आएगा, मैं मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊंगा जिसमें हेड लॉस भी कंसिडरेशन में होंगे, फ्लो रेट यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, फिर उसमें ये जो हेड प्रोवाइड कर रहा होगा वो क्या होगा, समझ में आ रहा है? बर्नौलीज इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, पी वन बाय रो जी प्लस जेड वन प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इक्वल टू पी टू बाय रो जी प्लस जेड टू प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस हेड लॉस इस पाइप के थ्रू, ठीक है, सक्शन लाइन में या फिर और आपकी डिलीवरी लाइन में, तो हेड लॉस, ठीक है, वन से लेकर टू तक कितने हो गए, प्लस ये जो हेड ऐड किया गया है हमारे, यानी कि जो प्रेशर दिया गया है हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा, वो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा। तो ये हमारे को बर्नौलीज इक्वेशन मिल गई, क्लियर हो गया? अब इस, ठीक है, तो इसमें से जो फ्लो रेट जा रहा होगा इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ठीक है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि इन हेड की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं यही बोल रहा हूं कि आप खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकते कि फ्लो रेट क्या होना चाहिए उस सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप, देखिए इसी सेंट्रीफ्यूगल पंप का कर्व मैंने यहां पे बनाया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन लगा देनी है। उसके लिए आपको यहां से लेकर यहां तक की हाइट मालूम होनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक की हाइट मालूम होनी चाहिए, क्लियर हो गया ये? ओके, तो इन सारी कंडीशंस को फीड करते हुए इस मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन में ये आपको बताएगा कि यहां पर क्यू क्या होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और एक बार आपको यहां पर क्यू समझ में आ गया, क्योंकि आप जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप खरीदने जाएंगे आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस पर्टिकुलर फ्लो रेट पे ऑपरेट होने वाला सेंट्रीफ्यूगल पंप दीजिए, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो कुछ रेंज में फ्लो रेट देती है, समझ में आ रहा है, कि ये जो पंप है ये यहां से लेकर यहां तक ही ऑपरेट होगा। सपोज मैं यहां पे मार्किंग कर देता हूं 0, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50, दिस इज 60,
दिस इज 70। ओके ओके, अब हेड देख लेता हूं, ठीक है, एक चीज समझाता हूं, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये आपका 40 मीटर, ये आपका 50 मीटर, ये 60 मीटर, ये 70 मीटर और ये 80 मीटर। क्लियर हो गया? ओके, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर आप इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को, तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बर्नौलीज इक्वेशन, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी होंगी, ठीक है। ओके, तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको फ्लो रेट मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लो रेट मिलेगा। क्लियर हो गया? ओके, और ये कंडीशन बदल सकती है अगर आप इसकी हाइट ज्यादा बढ़ाते हैं, सपोज और हाइट तक आपको पानी पहुंचाना है, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको ये Z2, ये डेटम हेड है, डेटम हेड मतलब हाइट है ना, ये चेंज हो जाएगी, ये आपकी Z1 ये वाली हाइट चेंज हो जाएगी, प्रेशर क्या होगा, ये सारी चीजें मालूम आनी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये कौन यूज करते हैं? प्रोसेस इंजीनियरिंग के पर्सन यूज करते हैं, वो आइदर मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं या फिर केमिकल इंजीनियर्स होते हैं। तो आपको एक फ्लो रेट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आप फ्लो रेट की वैल्यू, सपोज आपकी Q की वैल्यू आई 50 50, ठीक है, 50 लीटर पर मिनट, कितना 50 लीटर पर मिनट, ठीक है, उसके हिसाब से यहां पे वेलोसिटी भी प्रिडिक्ट हो जाएगी, अगर फ्लो रेट आएगा तो वेलोसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये 50 ग्राफ ऊपर लेके जाऊंगा, ओके, तो यहां पर ये कट कर रहा है हेड को, तो कहने का मतलब मेरा पानी कितनी हाइट पे पहुंच जाएगा भाई, ये 60 लिखा हुआ, तो 60 मीटर की हाइट पे पानी पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज, अगर एफिशिएंसी पता करनी है, तो यहां पर इसी पॉइंट को कट कर रही है, ठीक है, तो एफिशिएंसी भी आपको यहां पर पता चल जाएगी, यहां पे लिखी होगी, फिलहाल तो मैंने सिर्फ हेड ही लिखा है। तो फायदा क्या होता है कि सारे ग्राफ एक ही ग्राफ पे बनाने के, कि आप साइमल्टेनियसली सारी चीजें पता कर सकते हो, लाइक हेड पता कर सकते हो, एफिशिएंसी पता कर सकते हो, इनपुट पावर, आउटपुट पावर, सारी चीजें पता कर सकते हो। तो कहने का मतलब इसी नाम से, इसी वजह से तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पढ़ा है, कि जब पंप ऑपरेट होता है, ठीक है, तो आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रिफ्यूगल पंप जो है वो हमेशा फ्लो रेट की रेंज के साथ आता है। ओके, अब देख रहे हैं आप, जैसे जैसे आपका, देखिए अगर कम फ्लो रेट, अगर 20, अगर सपोज ये पंप 20 लीटर पर मिनट पे ऑपरेट होता, तो आप देख रहे हैं कि हेड ज्यादा है, यानी कि हाइट आपकी, पानी की हाइट किधर पहुंच सकती, 70 मीटर। और जैसे जैसे आपका फ्लो रेट बढ़ता जाता है, आप देख रहे हैं ये हेड जो है, यानी कि जो पानी की हाइट है, जितनी हाइट तक पानी पहुंच सकता है या फिर कोई भी फ्लूइड, वो कम हो जाता है। मान लीजिए आपको 60 पे पता करना है, 60 यानी 60, ये पंप 60 लीटर पर मिनट के क्या बोलते हैं फ्लो रेट से ऑपरेट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा, ये क्या बोलते हैं, ये हो गया, तो हमारा लगभग 55 मीटर की हाइट पे पानी पहुंच रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। और अगर 70 लीटर पर मिनट के हिसाब से करना है, तो ये तो यहां पे टच हो रहा है, तो आपका तो हाइट बहुत कम हो गया, 30 मीटर के हाइट पे आपका फ्लूइड पहुंच रहा है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको प्रोसेस इंजीनियर यूज करते हैं, ठीक है। मैं कुछ आगे वीडियोस लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने एज अ प्रोसेस इंजीनियरिंग काम किया हुआ है, ठीक है। अब जल्दी से समझ लेते हैं हमारा ये क्या बोलते हैं एफिशिएंसी, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, इनपुट पावर और आउटपुट पावर, ठीक है। अब आपको मालूम है ये हमारा ये पंप है, ओके, ठीक है, मैं बहुत इजी भाषा में आपको बता देता हूं, ओके, बीच में है हमारा इंपेलर, हो गया ये इंपेलर, क्लियर हो गया, ओके, हाँ इंपेलर, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा इंपेलर, जिसमें कर्व्ड वेन्स लगे होते हैं, ठीक है, ओके, और इसका शाफ्ट ये मोटर से कनेक्टेड होता है, सपोज ये मोटर है, ये हमारा रिजर्वायर है, ओके, इतनी हाइट पे इसने पहुंचा दिया है, ठीक है, ओके, चलिए देखिए। तो अब हम बात कर रहे थे हमारे इनपुट और आउटपुट पावर, और इसी से हम एफिशिएंसी भी समझ जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो पंप होता है, आप घर में, आपके घरों में जो पंप होगा, वो भी एक फिक्स्ड आरपीएम पे रोटेट होता होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, और उसके साथ ग्राफ आया होगा, आपने कभी मांगा नहीं होगा, इसलिए आप मिला नहीं होगा, ठीक है, ओके, बड़ी इंडस्ट्रीज में हमेशा ग्राफ भी आता है, ओके, और आप कभी खुद से फ्लो रेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, हाँ ये खुद ब खुद कंडीशंस का यूज करके एक पर्टिकुलर फ्लो रेट पे खुद ब खुद अपने आप को सिलेक्ट कर लेता है एक पर्टिकुलर फ्लो रेट पे, ठीक है। दूसरी चीज, आप इस सेंट्रिफ्यूगल पंप को कुछ इस हिसाब से कंडीशन बनाइए कि ये सेंट्रिफ्यूगल पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप बन सकता है, मगर पहले से अगर आप सोचेंगे तो मुश्किल है, आप कंडीशंस को यूज करके बना सकते हो, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हमारी आउटपुट पावर और इनपुट पावर की। आप देख रहे हैं इनपुट पावर का ग्राफ हमेशा यानी कि ऊपर है आपके आउटपुट पावर से, क्लियर हो गया, ओके। सपोज अभी देखिए पावर सबसे ज्यादा अवेलेबल कहां होती है, आपके शाफ्ट पे, कहां पर, शाफ्ट पे, ओके। अब ये शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट होती है आपके इंपेलर पे, ठीक है, वापिस लिखता हूं, एक शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट पे सबसे ज्यादा पावर इसके पास होती है, शाफ्ट से पावर कहां जाती है, इंपेलर पे,
अब इस इंपेलर को, इंपेलर से पावर कहा जाती है फ्लूइड को या फिर पानी को, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पावर धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे 30 थी, यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे 10 हो गई, तो आप लास्ट में देख रहे हैं पानी को सबसे कम पावर मिल रही है, ठीक है। तो ये जो पानी को पावर मिल रही है सबसे कम पावर, ठीक है, ये है वो हमारी आउटपुट पावर, जो किसके द्वारा दी गई है हमारी ये आउटपुट पावर, हमारे इंपेलर द्वारा। इंपेलर द्वारा जो पावर दी गई पानी को सबसे कम पहुंच रही है, ये है हमारी आउटपुट पावर। ओके, इनिशियली जो पावर सबसे ज्यादा किसके पास थी, शाफ्ट पावर। तो ये जो पावर रिलेटेड है हमारी इनपुट पावर से। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गया? तो ये जो इनपुट पावर है यहां पर अवेलेबल रहती है। तो आप देख रहे हैं कि जब फ्लो रेट यहां पर जीरो है, देखिए ये हमारा ग्राफ फ्लो रेट का है ना, जब हमारा फ्लो रेट जीरो है तभी भी कुछ वाई एक्सिस पे यहां से लेकर यहां तक, ये मिटा देता हूं, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये है हमारी पावर। फ्लो रेट कुछ भी नहीं है पंप में, ठीक है, मगर फिर भी ये पावर इस्तेमाल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये हमारी वेस्टेज पावर है। आप देख रहे हैं यहां से कितनी वेस्टेज हो गई, 30 में से 10 गया 20, तो 20 जो पावर है हमारी वेस्ट हो गई है, वाट में लिख लीजिए। तो ये वो पावर है जो वेस्ट हो गई। तो दीज आर मैकेनिकल लॉसेस। क्या होते हैं? मैकेनिकल लॉसेस। क्या होते हैं? मैकेनिकल लॉसेस। और आप देख रहे हैं, ओके, आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, अब बात करते हैं हमारी आउटपुट पावर की। अब आउटपुट पावर क्या हो गया, ऑलरेडी बता चुका हूं, जो फ्लूइड को मिलती है इंपेलर द्वारा। क्लियर हो गया? ओके, अब आउटपुट पावर का जो फॉर्मूला होता है यहां पे देखिएगा, दिस इज गामा इंटू क्यू इंटू एच। गामा स्पेसिफिक वेट होता है, क्यू फ्लो रेट होता है, एच मैनोमेट्रिक हेड होता है, ठीक है। और अच्छे से लिखेंगे, दिस रो जी क्यू एच। हो गया? क्लियर? ओके, आप देख रहे हैं कि ये जो आउटपुट पावर है जो फ्लूइड को मिलती है सबसे कम भी है। ओके, इनिशियली जब फ्लो रेट जीरो है तो ये भी ग्राफ ओरिजिन से ही मतलब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपकी जब ये फ्लो रेट जीरो है, समझ में आ रहा है, फ्लो रेट जीरो है तो देखिए ये जीरो हो गया, ये हो गई हमारी आउटपुट पावर, ये जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो गया, सो देयरफॉर ये आउटपुट पावर भी जीरो हो गई। इसी वजह से ये ग्राफ भी सेंटर से ही ओरिजिन होगा। और आप देख रहे हैं ये जो डिफरेंस है ये कंटिन्यूअसली मेंटेन रह रहा है। तो ये क्या है, जब जैसे जैसे आपका सपोज 30 पे अगर आप ऑपरेट करते हो 30 लीटर पर मिनट, तो उसके हिसाब से आपका ये वाली होगी आउटपुट पावर और ये वाली होगी आपकी कौन सी इनपुट पावर। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेंटेन ही रह रहा है। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, हमारी ये सारे के सारे मैकेनिकल लॉसेस है। हो गया? ये सारे के सारे मैकेनिकल लॉसेस है। क्लियर हो गया? ये जो डिफरेंस है ये चलता ही जा रहा है, जैसे जैसे आपका फ्लो रेट बढ़ता जाएगा आपका ये क्या बोलते हैं, आप देख रहे हैं ये जो आउटपुट पावर है ये भी घटती जा रही है। क्लियर हो गया? ओके, इनपुट पावर भी आपकी घटती जा रही है। इसका कर्व थोड़ा शार्प है, इसका थोड़ा सा ज्यादा शार्प नहीं है। ओके, दूसरी चीज अगर आप और चीज देखते हैं और अच्छे से, आपने देखा कि जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इनिशियली इनिशियली जब फ्लो रेट जीरो था तो आउटपुट पावर क्या हो गई थी, ये भी जीरो हो गई ना पूरी, ये कितनी हो गई, जीरो। ओके, तो जब इनिशियली बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जब आउटपुट पावर जीरो हो गई तो इनपुट पावर तो कुछ थी ना, देखिए ये इनपुट पावर है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो जब आउटपुट पावर जीरो है तो जीरो अपॉन, समझ में आ रहा है, ये जीरो अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100, तो एफिशिएंसी भी जीरो ही होगी। तो इसी वजह से ये जो एफिशिएंसी ये भी ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है। तो आई होप आपको सारी चीजें, और एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्लियर हो गया? तो साथ में सभी ग्राफ को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, ताकि आप साइमल्टेनियसली सारे पैरामीटर्स को हाथ में ले लो, पढ़ सको। याद रखिएगा, कभी भी आप एक पर्टिकुलर फ्लो रेट पे इसे क्या बोल सकते हैं, मतलब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को इस हिसाब से मत खरीदिए, वो हमेशा खरीदा जाता है कुछ रेंज में। सबसे पहले ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका फ्लो रेट का पर्टिकुलर फ्लो रेट क्या है, मेरा कहने का मतलब है आपसे पूछा जाएगा आपको कितनी हाइट पे फ्लूड पहुंचाना है या आउटलेट पे प्रेशर क्या है। ओके, आपके फ्लो रेट का रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बोलोगे इतनी रेंज से इतनी रेंज है, ठीक है। तो जब आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो हेड की कंडीशंस का यूज करके, यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन जब आप लगाते हो, ठीक है, अजम्पशंस हिट एंड ट्रायल का यूज करके, तो ऑटोमेटिकली वो एक पर्टिकुलर फ्लो रेट खुद ही अज्यूम कर लेगा और उसी हिसाब से वो पानी की हाइट ले लेगा। या फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो कि अगर आपको इतनी हाइट पे पहुंचाना है तो फ्लो रेट क्या रहेगा, उस हिसाब से कंडीशन को सेटिस्फाई करो, उस हिसाब से ऊपर नीचे आपके क्या बोलते हैं पाइपलाइन की हाइट को रखो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और वो डिपेंड करता है लॉसेस पे भी, आप कौन सी पाइपलाइन यूज करते हो। तो आई होप आपको सारी चीजें आइडिया मिल गया होगा कि ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सिंपली आप पंप को ऑपरेट करते हो, वही
उसी टाइम पे जो कर्व्स आपको दिए जाते हैं कंपनी द्वारा, ऑपरेट होने के वक्त जो कर्व बताए गए हैं कंपनी द्वारा, कि आप देख सकते हैं एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और साथ में स्टे एट होम, घर पे रहिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है। घर से बाहर अगर जरूरी काम के लिए आप जाते हैं तो डेफिनेटली वॉश योर हैंड, ठीक है, आने के बाद अच्छे से हाथ धोइए, कपड़े बदलिए, उसे भी धो डालिए, बाल, क्योंकि बाल से भी, यानी कि हर एक चीज पे वायरस अटैच मीन्स होता ही होता है, 10 से 12 घंटे तो एटलीस्ट होता है। तो वाई टू टेक रिस्क, गो एंड वॉश योर हैंड एंड स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।